पुराने कपड़े से बनाए एक बेहतरीन दिवाली टी लाइट होल्डर क्राफ्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। घर में पड़ा कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की डिब्बी आपके घर में हो तो वो ले लें और इसके साथ ही एक प्लास्टिक का बाउल रख दें, ऊपर से कपड़े से इसे ढक दें, नीचे की तरफ कपड़े पे प्लेन निशान लगा लें गोल सा और उसके साथ ही चार विंडो का भी निशान लगा लें सर्कल। ये करीब 2 से 2.5 इंच का होगा। इसे कैंची से काट लें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसका टोटल साइज बना 14 इंच। दोस्तों ये वॉल पुट्टी है, किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आसानी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप यही यूज़ करें। ज़रूरत के हिसाब से वॉल पुट्टी ले लें, इसके साथ ही उतना ही वाइट सीमेंट ले लें। वाइट सीमेंट किसी भी कंपनी का चलेगा लेकिन वो ब्रांडेड होना चाहिए। इनमें केवल पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इस पेस्ट में जो कपड़ा है बिल्कुल बढ़िया से डिप करें ताकि पूरे कपड़े में ये पेस्ट लग जाए। बाउल के ऊपर रिफाइंड ऑयल या कोई भी चिकनाई लगा लें और जो कपड़ा आपने डिप किया था उसे इस पे अच्छी तरीके से रख दें। समान रूप से चारों तरफ इसे फैलाएं, इसे ड्राई होने दें जब तक ये हार्ड ना हो जाए। जैसे ही हमारा क्राफ्ट ड्राई होता है फिर से गाढ़ा पेस्ट बनाएं और नाइफ या फिर चम्मच या कोई भी टूल्स स्कल्पचर के हों आपके पास, उसकी सहायता से पूरे क्राफ्ट पे नीचे के हिस्से को छोड़कर लेयरिंग करें। इसकी थिकनेस 1/2 इंच से थोड़ी सी कम होगी। बहुत ज़्यादा नाप तोल की ज़रूरत नहीं है, अंदाज से कर सकते हैं। अच्छी तरह ड्राई होने दें। जैसे ही ये सूख जाता है तो इसे पलट लें। पलट कर सावधानी पूर्वक जो प्लास्टिक का बाउल है उसे निकालें। आप चाहे तो नाइफ या नेल कटर की सहायता से भी इसे निकाल सकते हैं। जो कपड़ा बाहर निकला है उसे कैंची से काट कर एकसार कर लें। ज़रूरत के हिसाब से केवल वॉल पुट्टी लें और इसमें केवल पानी मिलाकर एक डो तैयार करें। डो बनाने का तरीका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप सीख सकते हैं। ये डो 4 घंटे तक चलता है। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हम डो बनाते हैं और इस डो को हमेशा गीले कपड़े से ढक कर रखते हैं ताकि हमारा डो मॉइस्ट रहे। वॉल पुट्टी में पानी मिलाकर फिर से एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसी से हम सारे क्राफ्ट में चिपकाने का काम करेंगे। अब आप क्राफ्ट का निचला हिस्सा जो बचा रहता है इसी गाढ़े पेस्ट को लगाकर डो की सहायता से प्रॉपर शेप दें। चारों तरफ ये काम करें और इसे थोड़ा सा सूखने दें। जैसे ये ड्राई होता है तो फिर से हम अगला काम करेंगे। वॉल पुट्टी क्राफ्ट में कभी भी एक साथ कोई भी शेप नहीं बनाते हैं, हमेशा हम लेयर वाइज काम करते हैं। जैसे हमारा एक लेयर ड्राई होता है तो हमें एक कठोर सतह मिल जाता है और हम आसानी से दूसरा लेयर कर सकते हैं, क्योंकि वॉल पुट्टी का जो डो होता है वो रन करता है। जैसे ही क्राफ्ट ड्राई होता है तो अंदर की तरफ भी जो अनइवन एरिया है उसे डो की सहायता से इवन कर ले। 1 इंच के करीब हाइट की कमल की पंखुड़ी की तरह शेप बनाए और पूरे किनारे पे इसे वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट की सहायता से चिपका ले। हाइट एक समान रखें और जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है जो 4 विंडोज़ हैं उन्हें प्रॉपर गोलाकार शेप दे। इसे अच्छे तरीके से ड्राई होने दे। ये ड्राई कितनी देर में होगा ये इसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। कड़ी धूप में ये 2 से 3 घंटे में ड्राई हो जाता है। 200 या 150 दोनों में से कोई भी रेगमाल यानी सैंड पेपर ले और इससे हम इसकी घिसाई कर लेंगे। जो अनइवन एरिया है उसे इवन कर ले। वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट बनाए और अंदर की तरफ टेक्सचर बनाए। इस टेक्सचर को आप चाहे तो टूथब्रश से बना सकते हैं, ड्राई ब्रश से बना सकते हैं या कोई और तरीका आपको पता है तो वैसे भी कर सकते हैं। इसे हम ड्राई होने देंगे। डो से पतले पतले कॉइल्स बनाए। अगर आपका डो अच्छा बना है, नॉन स्टिकी है, तो ये कॉइल आसानी से बन जाते हैं। इस कॉइल की सहायता से क्राफ्ट के विंडो पे बॉर्डर बना ले। डबल बॉर्डर बनाए। आप बॉर्डर की जगह कुछ और खुद के पसंद का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। चिपकाने का काम वॉल पुट्टी के गाढ़े घोल से करें। सभी विंडो पे ये रिपीट करें और इसे भी हम ड्राई होने देंगे। वॉल पुट्टी की डो से छोटे छोटे स्टोन की तरह शेप बनाकर
ऊपर वाला हिस्सा छोड़कर पूरे क्राफ्ट पे ये स्टोन्स चिपका लें और इसे भी हम ड्राई होने देंगे। डो से कमल की पंखुड़ी की तरह शेप बनाए पुराना नाइफ या नेल कटर की सहायता से इसमें लाइनिंग वाले टेक्सचर दें। अपना मनपसंद टेक्सचर भी दे सकते हैं। इसे ढेर सारे बनाकर फेविकोल या वॉल पुट्टी के डो की सहायता से प्रॉपर शेप दे चिपकाते चले जाएं और एक अच्छा सा कंपोजिशन फ्लावर का तैयार करें। शेप देने के लिए पेपर का बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये हल्का सा इसमें कर्व आ जाए। यही तरीका अपनाकर कुछ पत्तियां और कुछ फ्लावर की कलियां ये सब बनाकर सुखा ले। इसे विंडो पर रख कर चेक कर ले। विंडो से बड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ये फ्लावर रखना है उसके नीचे वॉल पुट्टी के डो से पतले कॉइल्स बनाकर डंडियाँ बना ले। ये सब चिपकाने का काम आप वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट से करें। चारों तरफ ये रिपीट करें और इसे हम ड्राई होने देंगे। पुराना दिया लें और वॉल पुट्टी के डो से कोट करें। एक कोट ड्राई होने दें फिर दोबारा कोट करें। जरूरत पड़े तो तिवारा भी कर सकते हैं जब तक ये वाइट ना हो जाए। आइए कलर की शुरुआत करते हैं। वॉल पुट्टी क्राफ्ट में हमेशा एक्रेलिक कलर यूज़ करें। एक्रेलिक कलर का दो कोट करें। एक कोट को ड्राई होने दें फिर दोबारा कोट करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं। तीन कोट के बाद इसमें वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चमक आ जाती है। मैंने जो कलर किए हैं नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से देखकर आप नोट कर सकते हैं। पर आप अपने पसंद से भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो वही करें। ये कट मिरर्स स्टेशनरी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। क्राफ्ट पे ज़रूरत के हिसाब से फेविकोल की सहायता से चिपका लेंगे और ड्राई होने देंगे। जैसे ड्राई होता है तो जो फ्लावर्स हैं उनमें वॉल पुट्टी का गाढ़ा घोल लगाएं और जहाँ पे प्लेसिंग करनी है वहाँ पे इसे चिपका दें। ये आसानी से चिपक जाएंगे। सारे विंडोज़ पे ऐसे ही करें। अगर आपको सेंटर में चिपकाना है तो सेंटर में चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, पुराने कपड़े से बना ये दिवाली डेकोर टी लाइट होल्डर तैयार है। दिवाली पे टी लाइट होल्डर और दिवाली के बाद फ्लावर पॉट के रूप में इसे इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि अब आप पुराने कपड़े फेंकने से पहले कई बार सोचेंगे। इस क्राफ्ट को बनाकर आपकी दिवाली बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ये क्राफ्ट आपने बनाया है तो ये बिल्कुल अनमोल है। एक ऐसा दिवाली क्राफ्ट जो इस दिवाली रोशनी के साथ आपकी पूरी फैमिली को खुशी भी देगी। इस खुशी को हमारे चैनल क्राफ्ट पॉकेट के साथ सेलिब्रेट करें। इस तरह के बहुत सारे बजट वाले क्राफ्ट मेरे चैनल पे देखकर आप सीख सकते हैं और बना भी सकते हैं। बनाना तो चाहते हैं पर बना नहीं पाते, तो ये वॉल पुट्टी के तीन बेसिक क्राफ्ट क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है। इसे सीखकर आप खुद से बहुत सारे क्राफ्ट बना सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी। अभी तो इस तरह के बहुत सारे क्राफ्ट वीडियोज़ आने बाकी हैं। कोई भी क्राफ्ट वीडियो आपसे छूट ना जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर नया क्राफ्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आपके लाइक और शेयर करने के साथ आपके बहुमूल्य कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। जल्द मिलते हैं एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। आपको और पूरी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।